नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका खेल खत्म करना चाहता है यह एक इंसान। जी हाँ दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, वरना यह आपके जीवन को भी तबाह कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, दुश्मन है तो वो कोई भी हद तक जा सकता है, लेकिन दोस्तों सबसे जानने वाली बात यह है कि यह दुश्मन कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपना ही है। और दोस्तों, जब आप इनके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आपके आशा और विश्वास, जो आपने इनके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहले वो टूट जाएगा और आपको अपने आप पर यकीन नहीं होगा कि आखिर ये व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। जिनके लिए हमने दिन रात एक किए हैं, और यही व्यक्ति हमारे पीठ पीछे ये सब कांड कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप अपने जीवन से प्यार है, यूं कहें तो अपने जीवन की भलाई के लिए, दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि ये व्यक्ति कौन है, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों कैसे आप इनसे बच भी सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान संकट मोचन के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भगवान संकट मोचन आपको सभी समस्याओं से दूर करेंगे, सभी दुश्मनों से आप सभी को मुक्ति दिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जय हनुमान कमेंट बॉक्स में लिख देगा, उनके जीवन काल में सभी परेशानियों को स्वयं संकट मोचन हर लेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि यह एक इंसान कौन है जो कि आपके जान के पीछे पड़ा है, आपको जान से मारना चाहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से इस राशि के जो लोग हैं, जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में, विश्व में कुल जितनी भी राशियां हैं, समस्त राशियों में से आपकी ही एक राशि इकलौती ऐसी है जिनके पिछले कुछ वर्ष बहुत ही ज़्यादा दुखद बीते हैं, और साथ ही दोस्तों बहुत ही मुसीबतों का सामना भी आपने किया है। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, दोस्तों ये समय जो आपके ग्रह की विग्रह स्थिति है वो दर्शा रही है कि आज रात 12 बजे से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कुछ लोग करने वाले हैं। यूं कहें तो दोस्तों, आपके जीवन काल में संकट आने वाला है, परंतु दोस्तों इस बार जो आपके ऊपर संकट आने वाला है, जो मुसीबतें आने वाली हैं, इनमें आपकी ही गलतियाँ छिपी हुई दिख रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आपका नेचर बहुत ही सीधा होता है, बहुत ही सरल स्वभाव के आप लोग होते हैं, और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है। दोस्तों, कभी किसी को लेकर आप बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी को नीचा गिराने के बारे में सोचते हैं, और दोस्तों ना ही किसी को पीछे धकेलने के बारे में भी सोचते हैं। परंतु दोस्तों, इतने सीधे, इतने अच्छे होने के बावजूद भी इस राशि के जातकों का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है, और दोस्तों लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर अपने जादू में आपको फंसा रहे हैं। यूं कहें दोस्तों, तांत्रिक क्रिया में आपको फंसा रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग अपने बातों से ही कुछ ऐसे जादू करते हैं कि दोस्तों आप उनके जाल में फंसते जाते हैं, और इसी के चलते आपके जीवन काल में संकटों का आपको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में कोई तीन ऐसे लोग हैं जो आज रात 12 बजे से, जी हाँ दोस्तों पूरा सुन लीजिए, आपके ही जीवन काल में रहने वाले तीन लोग जो कि आज रात 12 बजे से आपको अपनी बातों के जाल में फंसाने वाले हैं। यूं कहें, बातों की ऐसी तांत्रिक क्रिया होगी जैसे आप उनके जाल में फंसने वाले हैं, और दोस्तों इस बार कोई बड़ी मुसीबत आपके सर आ सकती है। तो दोस्तों, इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपकी राशि के जो भी जातक हैं, आपको तीन गलतियां बताने वाले हैं, जिस तीन गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जीवन में बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ही ना दोहराएं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आप इन गलतियों को गांठ बांध लें, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे, परंतु आप अपने जीवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर भी नहीं करें। जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपकी गलती आती है सभी को अपना समझने की भूल। इस राशि के जातक सभी को अपना मानते हैं, ये लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखते हैं। आप लोग सोचते हैं
कि सभी का विकास एक साथ होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो सभी को एक साथ रहकर झेलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दूसरे लोगों की सोच आपके विपरीत होती है। आपको बता दें कि आप हमेशा अपने साथियों का, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों का भला चाहते हैं, परिवारों का भला चाहते हैं, उनकी मुसीबतों में आप शामिल रहते हैं, उनकी मुसीबतों को भी आप अपने सर ले लेते हैं, परंतु दोस्तों वह लोग केवल और केवल आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपके साथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है। दोस्तों सब दुम दबाकर आपके पास से भाग जाते हैं। अगर आपको ये हमारी बात सच्ची लगी हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, कि आप कभी अपने जीवन काल में ऐसे हुए हैं जब आप अपनों की गलती को अपने सर ले लिया है, उनकी मुसीबतों को आपने बांटा है, परंतु दोस्तों जब आप पर संकट आया तब दोस्तों सब भाग गए। दोस्तों आपको अपनी मुसीबतों का सामना अकेले ही करना पड़ा। इसलिए दोस्तों आप इन सभी बातों को गांठ बांध कर रख लीजिए कि दोस्तों बिना किसी को सोचे, बिना किसी को समझे, उनके ऊपर भरोसा और उनकी मदद बिल्कुल ही ना करें। आज से ही आप इनको करना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा, किसी और इंसान को नहीं मिलेगा। आपको अपना दुख स्वयं ही झेलना पड़ेगा, किसी और को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों आज से आप अपने की सोचें। और दोस्तों आपकी दूसरी गलती होती है कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं आप जीवन से जुड़े सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर देते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भी इंसान से मिले, चाहे वो आपसे मिले हों या फिर बहुत सालों के बाद एक बार मिले हो, दोस्तों आपको विश्वासघाती देने वाला आपका मित्र ही हो सकता है। तो आप उनसे सावधान रहिए, क्योंकि जीवन में कौन कब कैसे क्या कर जाए ये आपको नहीं पता, और आप और वो लोग आपकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए आपसे जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल भी आप उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आपसे मिलते हैं लेकिन आपकी सभी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके ऊपर संकटों का वह ऐसा जाल बिछाते हैं कि आप उनमें फंसते चले जाते हैं। और तीसरी गलती आपकी जीवन में ये है कि दोस्तों धन के मामले में किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में पैसा ही सब कुछ है। बात कड़वी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सच्चाई भी है। आपको बता दें कि आज के दौर में पैसों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकती है। दोस्तों वही ग्रह की जो आज की स्थिति है वो आप बता रहे हैं। आज रात 12 बजे से आपके ऊपर कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएँ करने वाले हैं, यूँ कहें तो दोस्तों अपनी बातों के जाल में फंसाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं व्यक्तियों की बात कर रहे थे जो आपसे मिलते तो बहुत अच्छे से हैं लेकिन मन ही मन आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बचना है। जो लोग आपके जीवन काल में आपकी पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें। जो भी लोग आपको ऐसे बातों में फंसाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की आप पहचान करें और ढूंढ ढूंढ कर उनसे अपना संबंध तोड़ दें, और दोस्तों उनसे बात करना भी आप बंद कर दें। इसलिए दोस्तों इससे आपकी जो मुसीबतें हैं दिन प्रतिदिन घटती जाएंगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में इन्हें रहने देंगे तो दिन प्रतिदिन आपकी जो मुसीबतें हैं उनमें वृद्धि होती जाएगी और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि आप इन्हें सच्चे मित्र मानते हैं, आप ऐसे लोगों पर बहुत विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप ऐसे लोगों से पीछे छुड़ा लीजिए। अगर आप रिश्ता, हम ये नहीं कह रहे कि आप रिश्ता तोड़िए, अगर आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते तो ऐसे लोगों से कम दूरी बनाए रखें। दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर आपकी भी साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आप सभी के सभी कमेंट पढ़ते हैं, तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।